मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे आज यूपी दौरे पर हैं। वह अयोध्या पहुंच गए हैं। इस्कॉन मंदिर में पूजा की, अब राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजा करेंगे। उनके दौरे को लेकर अयोध्या के संत महंतों ने विरोध जताया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर आदित्य ठाकरे ने कहा, मेरी ये यात्रा पूरी तरह से धार्मिक यात्रा है। रामलला में हमारी आस्था है, हम रामलला का दर्शन करने आए हैं। यूपी में पहले से ही हमारा संगठन है, हम यहाँ जनसेवा कर रहे हैं। किसी के आरोप का मुझे कोई जवाब नहीं देना है। अयोध्या आने का विरोध हनुमानगढ़ी के पुजारी राजूदास और जगतगुरु परमहंसाचार्य ने किया था। राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद आदित्य पहली बार अयोध्या पहुंचे हैं। वह श्रीराम का आशीर्वाद लेकर मंदिर निर्माण को भी देखेंगे। इस बीच आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध हनुमानगढ़ी के पुजारी राजूदास और जगतगुरु परमहंसाचार्य ने शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अब हिंदू सजग और सतर्क हो चुका है। शिवसेना के मंत्री आदित्य ठाकरे का अयोध्या दौरा पूरी तरीके से राजनीतिक है। पूरा अयोध्या पोस्टर और होर्डिंग से पट गया है। उनका अयोध्या आने का स्वागत है, लेकिन डुग्गी पीटकर, भूपू बजाकर और पोस्टर लगवाकर दौरा राजनीतिक है। महाराष्ट्र में सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर 14 दिन की जेल हो रही है। अयोध्या आकर आदित्य ठाकरे क्या संदेश देना चाहते हैं? शिवसेना सांसद संजय राउत 13 जून को अयोध्या पहुंच गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की अयोध्या आगमन की तैयारी को देखा। उन्होंने अखाड़ा परिषद के कई बार अध्यक्ष रहे हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास के आश्रम में जाकर उनका आशीर्वाद लिया। वे लक्ष्मण किला भी गए, सरयू आरती स्थल पर निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश भी दिए। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।